इसका क्या है जो नहीं करना चाहिए? हिसाब से किसी भी काम को, किसी भी बात को, किसी भी चीज को नहीं नहीं बोलना। नहीं बोल देते हैं ना तो वो कभी सक्सेस होता ही नहीं है। और नहीं बोलना नहीं सीखना चाहिए मेरे हिसाब से। अरे माइंड में कुछ बैठ जाता है जिसको हम बहुत स्ट्रांगली पकड़ लेते हैं, इस एज में हमारे माइंड में वो चीजें बैठने लग जाती है। बच्चों के माइंड में कुछ नहीं होता है, बच्चे बिल्कुल ब्लैंक स्लेट की तरह हैं, वहां पे ना हाँ लिखा हुआ है ना ना लिखा हुआ है। पर जैसे जैसे एज बढ़ती चली जाती है वो स्ट्रांग होता चला जाता है, और उसी की वजह से फिर हमारे कॉन्फ्लिक्ट होने लग जाते हैं, उसी की वजह से सारी रिग्रेट्स आती है। क्योंकि होता क्या है, बड़ी जल्दी हम ना बोल देते हैं। हो सकता है कोई बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आई हमारे सामने, डिसीजन लेना था, लेकिन सुनने से पहले ही सामने वाले बंदे की पूरी बात हमने पहले ही ना बोल दिया। कभी भी ये हाँ और ना को स्ट्रांग मत होने दो। माइंड ना दो तरीके के होते हैं, 90% से ज्यादा लोगों का जो माइंड है वो पत्थर के जैसा है। उस माइंड में जो पहले से फिक्स्ड है उससे मिलता जुलता कोई बंदा कोई बात करेगा, जैसे मैं कोई बात करूंगा तो कहेंगे हाँ बहुत बढ़िया बहुत, उससे अलग कोई थोड़ी सी बात करी जाएगी तो क्या होगा, गुस्सा आएगा, ये क्या बोल रहा है, ये सही नहीं, समझ गए क्या हो रहा है। इन माइंड्स को क्या कहो, पत्थर के जैसे माइंड है, सब रुका पड़ा। तरह का माइंड कौन सा होता है, जो एक नदी की तरह बह रहा है, जब तेजी से बहता है तो वहां पे कुछ भी पकड़ने के लिए नहीं है, आप कोई भी साइड नहीं ले सकते। सिक्के के एक तरफ से देखोगे, अगर लाइट इस तरफ से आ रही है तो उजाला है, सिक्के पर उजाला है, इधर से देखोगे तो क्या है, सिक्के पर अंधेरा है। तो अब आप कहोगे भैया क्लियर बात क्यों नहीं करते, सिक्के पर उजाला है या सिक्के पर अंधेरा है, सिक्का हेड है या सिक्का टेल है, क्लियर बोलो ना, ये दो दो बातें क्या करते हो, सिक्का हेड भी है टेल भी है, ऐसा कैसे हो सकता है। आप धीरे धीरे आगे बढ़ने लग जाते हो, आप एकदम से ना ना बोलते हो ना जल्दीबाजी में हाँ बोलते हो, और ये बड़ी कमाल की स्टेट होती है। कुछ हो जाता है बड़ी जल्दी जजमेंट पास नहीं करते हो, इसने बहुत गलत किया, आपको पता भी है उसने क्या किया है क्यों किया है, आपको पता भी है उसने किया भी है या नहीं किया है, नहीं नहीं बस जजमेंट हमारा तैयार है। ऐसे ही जैसे हम दुनिया को जज कर रहे होते हैं, ऐसे ही अपने घर में और लोगों को जज कर रहे होते हैं, ऐसे ही खुद को जज कर रहे होते हैं, करते हैं नहीं करते हैं? तो यस और नो क्या है, जजमेंट है। तो जजमेंट को जल्दी पास मत करो, आराम से करो, और इतना भी आराम से मत करो जैसे इंडिया में कोर्ट में होता है कि 20 साल लग रहे हैं एक जजमेंट को पास करने में। 20 साल नहीं लगने चाहिए ना 20 सेकंड लगने चाहिए, बीच का टाइम कहीं पे ठीक है, थोड़ा सा 2-4 दिन, 5 दिन, 20 दिन। बहुत बड़ा डिसीजन है तो 2 महीने। बड़ा डिसीजन मतलब क्या, शादी का डिसीजन बड़ा डिसीजन है, करियर का डिसीजन बड़ा डिसीजन है, तो वहां पे अगर 20-25 दिन महीना भी लग जाए दैट इज ओके। तो ये हमको एक आंसर मिला लाइफ में क्या नहीं करना चाहिए। हमें अपने ऊपर डाउट होने लग जाता है कि मैं ये कर भी पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, तो अब ये आपको हेल्प कर रहा है तब तो बहुत बढ़िया है। अगर इस सेल्फ डाउट की वजह से आप अटक गए हो लाइफ में, ये सेल्फ डाउट इतना ज्यादा बढ़ गया है कि आपने अपने हथियार ही डाल, मैं तो कुछ कर ही नहीं सकती, मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता, मेरे तो कुछ बस का ही नहीं, हाँ वो सब कुछ कर, ये आने लग जाता है, नहीं आता है। इससे कैसे बचे, अंदर तक आपको ये पता होना चाहिए, अंदर तक, कि आप में मुझ में किसी में भी कोई फर्क नहीं है, अलग अलग है, पर जो ब्रेन है जिस तरह से ब्रेन काम कर रही है दैट इज सेम, उसमें इंफॉर्मेशन अलग अलग है। तो हार्ड हैं अलग अलग कंपनीज के, तो बाहर से दिखने में अलग अलग हो सकते हैं, ब्रांड अलग अलग हो सकता है, पर जिस तरह से वो काम कर रहा है वो सेम है। जिस तरह से लाइफ को आप देख लेते हो, यू मी और एनीबडी, वी एज इन ह्यूमंस, वी आर ऑल सेम। योर ब्रेन इज नॉट सिमिलर टू आइंस्टाइन्स ब्रेन, इट इज सेम। तो एक एनर्जी आती है अंदर से, अब अपना अपने आप को अंडर एस्टिमेट करते हो ना ओवर एस्टिमेट करते हो, क्योंकि ओवर एस्टिमेट में मूड बहुत खराब होता है। यानी एक तरह के थॉट्स अंदर चल रहे हैं, एक तरह की इन्फॉर्मेशन अंदर प्ले होती चली जा रही है ब्रेन पे, एकदम से आपने मेरा कोई सेशन देखा या कोई बुक पढ़ी या किसी और का कोई सेशन देखा, एकदम से सब कुछ बदल गया। तो क्या बदला है वहां पर, क्या ब्रेन बदल गई है, हार्डवेयर बदला है, सॉफ्टवेयर ही तो बदला है, इन्फॉर्मेशन ही तो बदली है। पहले अपने अंदर ही अंदर कुछ और बोल रहे थे, अब कुछ और बोल रहे हो, आया समझ में, नहीं आया कुछ, अब कहां पे है सेल्फ डाउट बताओ। अब यहां पे ना तो इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स है हमारे अंदर, ना सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स है, कुछ भी नहीं है। ये मतलब मेरी ब्रेन और आइंस्टाइन की ब्रेन सेम है, आपकी ब्रेन और किसी की भी, एनी पर्सन यू नेम इट, जो भी पास्ट में हुआ या अभी है या होने वाला है, सेम है, कोई फर्क नहीं है। इसको सिर्फ ढंग से यूज करना है, समझदारी से यूज करना है, बस
और कुछ नहीं, कि हमको अपनी जड़ों को कभी नहीं भूलना चाहिए। देखो ऊपर बढ़ना है, ऊपर मतलब आप कह सकते हो बाहर इस दुनिया में अगर बढ़ना है तो अंदर जड़ें उतनी ही स्ट्रांग होनी चाहिए। कभी भी अपने माँ बाप की डिसरिस्पेक्ट नहीं करनी चाहिए किसी भी हालत में। अपने माँ बाप के बारे में कुछ बुरा सोचना तक नहीं चाहिए, करना तो बहुत दूर की बात है। और कुछ लोग थोड़ा बहुत पैसों के चक्कर में पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं। किसके साथ? अपने माँ बाप के साथ। कौन है माँ बाप? आपकी जड़ें हैं। और सोचो, आपको एक मजेदार बात बता देता हूं कि जो बंदा अगर आपको पहचानना हो ना कि वो बंदा कैसा है, कि उस बंदे के साथ उस पर भरोसा करना चाहिए नहीं करना चाहिए, तो उस बंदे को ये देखो कि वो अपने माँ बाप के साथ कैसे बिहेव करता है, उसने अपने माँ बाप के साथ क्या किया। क्योंकि जो बंदा अपने माँ बाप का सगा नहीं हुआ, अपने भाई बहन का सगा नहीं हुआ, वो किसका सगा होगा? उस पर क्या भरोसा करोगे? वक्त आने पे वो आपको अभी काटेगा। जिसने अपनी जड़ें काट दी उसके लिए और दूसरा पेड़ कहाँ मैटर करता है? आप तो दूसरे हो ना, जिसने अपने को नहीं छोड़ा वो आपको क्या छोड़ेगा? तो इसको हमेशा याद रखना है। हैविंग सेड दैट, इसका मतलब ये नहीं है कि आप उनकी हर बात से एग्री करो। नहीं, ओपिनियन अलग अलग हो सकते हैं, डिसीजंस के बेस पे लड़ाई हो सकती है कि मेरा डिसीजन ये है, आपका डिसीजन ये है, मैं ये चाहता हूं, आप ये चाहते हो, उसमें लड़ाई हो सकती है और वहां पे करनी भी चाहिए। ये नहीं कि जो वो कह रहे हैं हर बात पे हम एग्री कर जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। फिर तो आपकी अपनी आइडेंटिटी ही क्या रही? कुछ भी नहीं है, वो बोलते रहेंगे आप करते रहोगे। तो रिस्पेक्ट अलग चीज है और डिफरेंस ऑफ ओपिनियन अलग चीज है। तो इसको मिक्स मत करना, बिकॉज मेरे को पता है मेरी ये बात सुनते ही लोग क्या बोलेंगे कि हाँ मेरे माँ बाप, अब आप जो कहोगे मैं वही करूंगा। वो कहेंगे बढ़िया है, यही तो हमें चाहिए था, ऐसे ही तो चाहिए हमें कि बेटा चल अब तुझे ये करना है, तुझे ये करना है, तुझे ये करना है, इतने बजे उठना है, इतने बजे सोना है, इतने बजे यहाँ जाना है, वहां जाना है, ये होगा वो होगा, ये सारा कुछ। तुमसे लड़ लो, जहां पे अपनापन होता है वहीं पे लड़ाई होती है। अनजान से कौन लड़ता है? है कभी यहाँ पे अनजान में आपस में अभी कोई लड़ाई हुई है आकर के? तू मुझे पसंद नहीं है, भाग किया किसी ने ऐसा आपस में? हाँ नहीं, नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि अनजान है क्या, अपने अपने घर चले जाना है सबको इस सेशन के बाद में। किससे किसको क्या लेना देना है? अपनों से ही तो लड़ाई होती है, अपनी बीवी से, अपने पति से, अपने माँ बाप से। तो लड़ो, लड़ने में कोई बुराई नहीं है, अपनेपन से लड़ो। ऐसे लड़ो कि भाई लड़ेंगे मरेंगे कटेंगे जो मर्जी करेंगे, अलग नहीं रहेंगे साथ में। इसको इस तरह से भी कह सकते हो, आपस में लड़ेंगे, बाहर का कोई आएगा तो फिर हम एक हो जाएंगे, फिर नहीं छोड़ेंगे। या एक्चुअल में अगर कोई मुश्किल आएगी तो हम सब एक हैं। हाँ आपस में हमारा चलता रहता है थोड़ा बहुत, उसमें कोई बुराई नहीं है। तो जड़ों को याद रखने का मतलब, जड़ों को ना भूलने का मतलब कि कुछ ऐसे लोग हैं आपकी लाइफ में जो आपको अंदर तक पता है कि ये मेरे अपने हैं। कैसे पता है? क्योंकि जब आपकी लाइफ का सबसे खराब टाइम चल रहा था तब भी वो आपके साथ थे, वो आपके अपने हैं, फॉर श्योर आपके अपने हैं। जब खराब टाइम में नहीं छोड़ा तो अच्छे टाइम में क्या छोड़ेंगे? और कुछ ऐसे लोग होते हैं, थोड़ा सा आपका टाइम अच्छा होता है, पीछे पीछे घूमने लग जाते हैं, आपके लारे लप्पे करेंगे, आपकी तारीफें करेंगे, आपको बोलेंगे कि हाँ तू तो मेरा भाई है, हम तो ये हैं, हम तो वो हैं, वो हैं। जैसे ही आपका टाइम थोड़ा सा खराब होगा आपको छोड़ देंगे, आपकी तरफ देखेंगे भी नहीं, आपसे बात तक नहीं करेंगे, एकदम पीठ कर देंगे आपकी तरफ। तो आप पहचान सकते हो ऐसे लोगों को। कुछ ऐसे लोग थे आपकी लाइफ में जब आप कुछ भी नहीं थे, या ये कह लो खराब टाइम चल रहा था, तब भी वो आपके साथ में थे, तो ये आपके अपने हैं। दुनिया इधर की उधर हो जाए, इनको नहीं छोड़ना है, चाहे घर अलग अलग हो जाए। देखना, इसको भी ध्यान से समझ लेना। इसका मतलब ये नहीं है कि हाँ एक ही घर में रहेंगे जी, अब तो सास बहू आपस में एक दूसरे का गला काट रही है लेकिन रहेंगे हम एक साथ ही, ये नहीं कह रहा हूं मैं। चाहे घर अलग अलग हो जाए, यानी फ्लोर अलग अलग हो जाए, अपार्टमेंट अलग अलग हो जाए, आप यहां रहते हो वो वहां रहते हैं, या दूर भी रहते हैं, आप दिल्ली में रहते हो वो बॉम्बे में रहते हैं, दैट्स ओके। लेकिन दिल से हम एक है जी, मरते दम तक हम अलग नहीं हो सकते। दैट मस्ट बी वेरी क्लियर। जिसके माइंड में ये क्लियर है उसकी जड़ें पक्की हैं।